5 बज गए हैं और हम फिर से आ गए रोड पे, विजयवाड़ा के रोड पे। और आज रात को कैंपिंग करा था, इसके पीछे छोटा सा पार्क बना हुआ है, इसी में कैंपिंग करा था हमने। रात को हमें घूमना पड़ गया 2.5 घंटे कैंपिंग के चक्कर में, क्योंकि सिटी में थोड़ा बहुत मसला हो जाता है ना, सिटी में कैंपिंग का स्पॉट मिल नहीं पाता है। तो भाई लोग चलते चलते थोड़ा बहुत थक गए हैं, तो इट्स फूड टाइम, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, फूड ब्लॉगिंग मॉर्निंग का टाइम है तो खाना तो बनता है भाई, नाश्ता। ये देखो इडली है, अन्ना इडली और इसी जगह से चटनी, अन्ना नाम नहीं आता, इडली नाम नहीं आता। और हाँ, साउथ इंडिया में आके ना प्लेट के साथ पत्ता नसीब हो गया, पहली बार पत्ते में पहली बार खा रहा है एक्चुअली, प्लेट में भी पत्ता, अन्ना पत्ता इडली चटनी। साउथ इंडिया के तो कुत्ते भी इडली खाते भाई, अन्ना इडली। तो भाई बिल्कुल सुबह का नाश्ता पेट वेट का हो गया है, जो रोज होता है अपना साउथ इंडियन फूड, तो दोनों बंदे का बिल बना 50 रुपीज़। अन्ना पेट भर के खा लिया, फिट एंड फाइन हो गए। और पानी यार, पानी भी मस्त मिल गया है। एक तरीके से कहो तो हर दिन हमारा जो डे है स्टार्ट होता है इडली और वड़ा से। आहा, मज़ा ही आ गया। एक्चुअली भाई काफ़ी सस्ता होता है इडली, 5 रुपये पीस के हिसाब से, 3-4 खाओ बिल्कुल पेट भर जाएगा। तो इडली खा लिया हमने पेट भर के। ये बेसिकली कृष्णा रिवर जिसके किनारे, मतलब कल रात को आने की कोशिश किए थे लेकिन नाइट की वजह से इसका व्यू मिला नहीं था। ये वाला रोड है हैदराबाद वाला, आगे का बोर्ड अगर दिख रहा हो तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है हैदराबाद 272 किलोमीटर। कृष्णा रिवर के किनारे किनारे व्यू देखते हुए लुफ्त लेते हुए जा रहे थे, लेकिन हमें क्या दिख गया, ये देखो वॉकिंग, साइकिलिंग और पता नहीं वो हाथ गाड़ी जो है, ये अलाउड नहीं है इस रोड में, और यही रोड है जो हैदराबाद जाती है। भाई हमारा क्या होगा, हम पैदल वालों का, हिचहाइकर का। ये हम लोग का बिल्कुल मोस्ट नेसेसरी पॉइंट है, जहाँ लिफ्ट लेना ही लेना है, नहीं मिला तो यहीं बैठे रहना पड़ेगा, नहीं मिला तो पूरा दिन खराब हो जाती है। हाँ, वॉक नहीं कर सकते हम यहाँ, क्योंकि यहाँ वॉकिंग अलाउड नहीं है हम यहाँ। तो भाई दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से हो गई है हमारी, और यहाँ पे आगे 2-3 मिनट के लिए होल्ड दिया है नाश्ता वास्ता करने के लिए, हमने तो ऑलरेडी नाश्ता कर लिया, इसलिए हम नाश्ता करेंगे नहीं अभी। सब सही रहा तो हैदराबाद टाइम पे पहुँच जाएंगे, शाम को ही पहुँच जाएंगे, शाम से पहले एटलीस्ट पहुँच जाएंगे। हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेस वे वाला जो टोल है ये रहा, यहाँ पे भाई ने हमें छोड़ दिया, बोला कि यहाँ से लिफ्ट मिल जाएगा, और आगे से भाई को अंदर जाना था सिटी में तो अंदर चले गए, और यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे, यहाँ नहीं हुआ तो थोड़ा आगे चलेंगे। टोल प्लाजा में खड़ा हो गया हम, यहाँ गाड़ियाँ रोका जा रहा है, यहाँ गाड़ियाँ रोकने की कोशिश हो रहा, तो सर ने हमें लिफ्ट दिया हैदराबाद के लिए। इफ यू डोंट माइंड कैन प्लीज टेल मी योर नेम, प्लीज गुड नेम। भानु कुमार रेड्डी भानु बीएच। ओके, आज का डे हम लोगों के लिए बहुत ही स्मूथ रहा, क्योंकि बैक टू बैक हैदराबाद के लिए मॉर्निंग को ही लिफ्ट मिल चुकी है डायरेक्ट हैदराबाद के लिए। आई थिंक 12 बजे से पहले हम लोग हैदराबाद में लैंड कर जाएंगे, और ये मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा, एक दिन हमारे लिए हिचहाइकिंग का बच जाएगा, और हम हैदराबाद को आज आधा दिन बचेगा हमें एक्सप्लोर करने के लिए, हैदराबाद एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। दिल्ली का खाना कैसा लगा? दिल्ली पे स्ट्रीट फूड अच्छा होता है, स्ट्रीट अच्छा होता है, रेस्टोरेंट्स गलीज रेस्टोरेंट्स गलीज रेस्टोरेंट वहाँ स्ट्रीट फूड के लिए फेमस है, स्ट्रीट फूड दिल्ली पे अच्छा है। हाँ, छोटा वाला अच्छा बनाता है, उधर भी समोसा अच्छा देते हैं।
ये गेट है क्या मेन गेट? हाँ हाँ रामू जी फिल्म सिटी। ओहो पूरा बसा था अच्छे से। तो ये बेसिकली रामू जी फिल्म सिटी है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी है और ये पड़ता है साउथ इंडिया में हैदराबाद के पास। मोर देन 1000 acres इसका जो एरिया है ना, मोर देन 1000 acres है रामू जी। तो गाड़ी की जरूरत है। नहीं राम जी ये भी लिखा हुआ है, वेट ये भी लिखा है। दोनों साइड में जो सिटी है ना, मतलब इतना खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग बना रखी है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग नोएडा लेवल के हैं। बिल्कुल नोएडा में जैसे बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, दिखते होंगे आपको बड़े बड़े खूबसूरत से, वैसे ही है उस मतलब यार इसकी खूबसूरती अलग ही। हाँ बहुत ही खूबसूरत है। और छोटे छोटे जो थोड़े छोटे हिल्स है ना और पत्थर है उसके बीच में बिल्डिंग्स और भी खूबसूरत लगती है। मतलब हैदराबाद सिटी में हमारा स्वागत हो गया है, हम इंटर हो चुके हैं हैदराबाद सिटी। बिसाइड नालंदा स्कूल उतरने का टाइम हो गया, बहुत देर तक काफी लंबा चौड़ा लिफ्ट था, इतना लंबा चौड़ा था ना, बैठे बैठे पूरा ले ले बैठे बैठे कमरा कर गया। सोचो 200-250 300 किलोमीटर का लिफ्ट था भाई ने, बहुत हेल्प करा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। भाई साहब तो सिटी में एंट्री कर चुके हैं हैदराबाद सिटी। यार ये एक्चुअली ये बेसिकली एक्सपेक्टेशन से बहुत बड़ा सिटी है यार, हमने सोचा नहीं था इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे इस पे आउटलेट स्ट्रीट पे। मतलब कोई सोचा था कि नॉर्मल सा सिटी होगा विशाखापट्टनम और वो जो विजयवाड़ा की तरह, लेकिन यार ये एक्सपेक्टेशन से बहुत बड़ा सिटी है। कंस्ट्रक्शन का काम अभी इतनी ज़ोरों से चल रहा है ना, लाइक आज से 5 साल बाद तो ये तो बिल्कुल अलग ही हो जाएगा। मतलब बिरयानी खाना तो हैदराबाद आना। लोकल ट्रांसपोर्ट भी इतना महंगा है ना यार, महंगा है ना इधर। अभी ट्रांसपोर्ट अभी जाए तो जाए कैसे, मतलब ऑटो ऑटो से अगर आप ले लिए तो 400-500 खटका हो जाएगा। अगर बस से गए तब भी यार 3-4 किलोमीटर था, 3-4 किलोमीटर नहीं रहेगा क्या समय? अरे 2 किलोमीटर रहेगा सर ना, इसलिए तो इतना मस्त लग रहा है तेरे को ये शहर। 2 किलोमीटर था भाई इसके लिए भाई 15 रुपये चार्ज कर दिए, और दिल्ली के बस में ज़्यादा 15 रुपये की टिकट लेके एक कोने से सिटी के दूसरी सिटी में चले जाते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन तो काफ़ी अच्छा रहा है, अब देखते हैं क्या होता है अदर पार्ट ऑफ द सिटी। बेस्ट पास दिल्ली प्रोसिक्यूटेड, आई डोंट नो क्या है लेकिन बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है और इस पर एंट्री कुछ नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है ट्रेस पासिस विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब इसके अंदर आप जा नहीं सकते हैं किसी भी हालत में, लेकिन यार बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। इसके अंदर जा नहीं सकते क्या? ये मस्जिद है, मकबरा है, है बहादुर हैदराबाद में तो मेट्रो होना भी है, ये मेट्रो लेकिन किराया बहुत ज़्यादा होना भी है, 5-5 स्टेशन के 45 रुपये, इसीलिए मेट्रो प्रीफर नहीं है। और बस के भी तो किराया होने ही ज़्यादा, लेकिन सबसे चीप बस ही होने। यो 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 फटकते फटकते हमें
किनारे किनारे मकबूल भाई साहब का शॉप है, मकबूल नाम है। तो अभी टेस्ट करते हैं बिरयानी का मेन्यू कुछ इस हिसाब से था कि फुल बिरयानी 100 रुपीज़ पर प्लेट, और एक था फैमिली वाला जिसके चार से पाँच बंदा खा सकते थे, 320 का पड़ा, तो हमने फैमिली वाला मंगा लिया। सुनते एक सेकंड, और मैं होप कर रहा हूँ कि दो बंदे में हो जाए, चार बंदे का एटलीस्ट वो ठीक है। और बच ये कह रहा है कि अब ये बचेगा तो पैक करवा लेंगे, मेरे को लग नहीं रहा कि इसका शक्ल देख के कि ये बचेगा। मतलब हमें पैक करवाने की जरूरत पड़ जाएगी। हाँ भाई देखते हैं कब पड़ता है, पैक करवाने की जरूरत पड़ जाएगी। ऐसा लगता है पैक करवाने की जरूरत पड़ जाएगी। यहाँ बोला था कि वो ले लेते हैं, ये एक्चुअली एक्स्ट्रा संभव है, मतलब सही सही हिसाब बैठ गया अपना यार। देखिए वो पूरा बड़ा हुआ है, लगभग 2 से 2.5 किलो होगा इसका वेट। अच्छा वेट कितना हो जाएगा? 2 किलो पर खा लेगा, आराम से खा लेगा भाई। हाँ पहलवान लोग हैं। लो 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 देखो भाई एक पूरा प्लेट भर गया, इसको बस इसके एक कोने से एक कोने से पूरा प्लेट भर गया, तो पूरा बाकी है, मज़े आ जाएगा भाई। तो भाई हो गए बिल्कुल फुल बिरयानी खा के, बोला नहीं जा रहा इतना फुल हो गए और इतना बच भी गया। तो फिर जो बच्चा बचा है उसको पैक करवाते हैं, होटल चलते हैं, रूम चलते हैं, उसके बाद रात को खाया जाएगा आराम से, वेस्ट नहीं होना चाहिए खाना।